हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच पेयर ऑफ एग्जांपल्स गिवन बिलो अ पेयर ऑफ ट्रायंगल इज शोन। इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर मार्क्ड विद द सेम साइंस। ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे नीचे ट्रायंगल की पेयर दी गई है हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर एग्जांपल्स है, और उसमें हमें क्या करना है, ट्रायंगल के साइड को मार्क किया हुआ है और वो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है ये हमें बताना है। ओके, अभी देखो, इस साइड को एक मार्क है, इस साइड को भी एक मार्क है, इस साइड को दो मार्क है, इस साइड को दो मार्क है, ये वाले साइड को तीन मार्क से, इस साइड को तीन मार्क से। इसका मतलब क्या है, इस ए बी सी ट्रायंगल के 1, 2, 3 साइड्स इस पी क्यू आर इस ट्रायंगल के 1, 2, 3 इस साइड से कॉन्ग्रुएंट से, इसकी तीन साइड इसके तीन साइड से कॉन्ग्रुएंट से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय साइड 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 टेस्ट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इसके बीच में हमें ऐसा डैश दे देना है, साइड साइड साइड। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय साइड 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 टेस्ट। अभी सेकंड वन में ही देखो, साइड ये एंगल और ये साइड, इस साइड एंगल और साइड से क्या है, कॉन्ग्रुएंट से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एल एम एन। इस एक्स वाई जेड ट्रायंगल की साइड एंगल साइड इस एल एम एन इस ट्रायंगल की साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट से। अभी थर्ड नंबर एग्जांपल में ये दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसमें देखो एंगल साइड एंगल, इसके भी एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ट्रायंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस टी यू। एग्जांपल नंबर फोर देखो, इसमें देखो ये दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं, इस ट्रायंगल की साइड ये साइड और ये एंगल साइड साइड एंगल। तो हम कैसे लिखेंगे, बाय साइड साइड एंगल टेस्ट, और इसी टेस्ट को हम एंगल साइड साइड एंगल साइड साइड। ओके, तो हम यहाँ पे एंगल साइड साइड टेस्ट ऐसे भी इस टेस्ट को राइट कर सकते हैं। ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी टी आर, देखो एल एम एन पी टी आर इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट से, उनकी दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट से, इसलिए वो दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से। क्वेश्चन नंबर टू है, ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल्स। यहाँ पे हमें इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करके वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है बताना है, और ट्रायंगल के रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट कौन से हैं वो भी राइट करने हैं। और यहाँ पे फर्स्ट में देखो, ए बी सी एंड पी क्यू आर ये दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स एंगल पी क्यू आर। देखो ए बी सी ये एंगल पी क्यू आर इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट से। ओके, सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू आर, ये बी सी सेगमेंट इस क्यू आर सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट से, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट्स एंगल पी आर क्यू, एंगल ए सी बी इस पी आर क्यू एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट से, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स एंगल पी क्यू आर। एंगल साइड एंड एंगल ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, उसके बाद फिगर में देखो यहाँ पे एंगल एंगल ये दोनों एंगल सेम सिंबल से शो किए हैं, मीन्स ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट से, उसके बाद में ये बी सी साइड
QR साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो दोनों भी टू लाइन से शो की हुई है। उसके बाद ये सी एंगल आर एंगल एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल साइड एंगल इस एंगल साइड एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। हम टेस्ट में कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल PQR डॉट डॉट टेस्ट, तो कौन सी टेस्ट आएगी, एंगल साइड एंगल टेस्ट, करेक्ट। देयरफॉर एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट्स एंगल, BAC एंगल के साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट्स रहेगा, यहाँ पे देखो BAC, इस BAC एंगल के साथ कौन सा इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट्स रहेगा, QPR, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे QPR और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है वो, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट्स है। सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट्स, AB सेगमेंट साथ कौन सी सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट्स रहेगी, देखो AB सेगमेंट ये सेगमेंट इस ट्रायंगल के कौन सी सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट्स रहेगी, PQ इस सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट्स रहेगी, तो यहाँ पे हम PQ ऐसा ऐड करेंगे। एंड डॉट डॉट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR, अब इस सेकंड ट्रायंगल की जो PR सेगमेंट है उस सेगमेंट के साथ फर्स्ट ट्रायंगल की कौन सी सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट्स रहेगी, तो देखो PR ये सेगमेंट इस फर्स्ट ट्रायंगल के AC इस सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट्स रहेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC सेगमेंट, सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR। अभी सेकंड नंबर इस फिगर में देखो, इस फिगर को ऑब्जर्व करो, इस फिगर में देखो PTQ एंड ESTR ये दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं, ओके। अभी देखो इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन शोन इन द फिगर इन ट्रायंगल PTQ एंड ट्रायंगल ESTR, इसमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं PTQ एंड ESTR, ओके। तो उन दोनों ट्रायंगल की देखो सेगमेंट PT कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ESTR, PT सेगमेंट ESTR सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट से, PT सेगमेंट ST इस सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट से। उसके बाद में एंगल PTQ कॉन्ग्रुएंट्स एंगल ESTR, PTQ ESTR इस ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट्स है क्योंकि वो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, PTQ मीन्स T इस एंगल के साइड में और ESTR मीन्स T इस एंगल के साइड में, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। सेगमेंट TQ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट TR, सेगमेंट TQ देखो ये TQ सेगमेंट इस TR सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट से, करेक्ट। तो हमें बताओ अभी देयरफॉर ट्रायंगल PTQ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ESTR, तो ट्रायंगल PTQ ट्रायंगल ESTR के साथ कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ पे साइड एंगल साइड, ओके। सेगमेंट में साइड रहती है साइड, यहाँ पे एंगल की इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद में सेगमेंट की मीन साइड की इन्फॉर्मेशन दी है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट से क्या है कॉन्ग्रुएंस है। देखो ना यहाँ पे भी दिया है ये साइड ये साइड ये भी साइड ये भी साइड, उसके बाद में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या रहते हैं कॉन्ग्रुएंस रहते हैं, मीन्स साइड एंगल साइड इस साइड एंगल साइड से साइड के साथ क्या है कॉन्ग्रुएंट से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइड एंगल साइड, ओके। मैं देयरफॉर एंगल TPQ इस फर्स्ट ट्रायंगल का TPQ एंगल इस सेकंड ट्रायंगल के कौन से एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस रहेगा, तो TSR, तो TPQ कॉन्ग्रुएंस TSR एंगल TSR आएगा क्योंकि ये भी एंगल ही है, ओके। उसके बाद में एंड कौन सा एंगल इस एंगल TRS के साथ कॉन्ग्रुएंस आएगा, TRS सेकंड ट्रायंगल का ये जो TRS एंगल है वो फर्स्ट ट्रायंगल के कौन से एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस रहेगा, तो TQP इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस रहेगा एंगल TQP क्योंकि ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों और ये दोनों, और वो क्या रहते हैं ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट्स कौन सी सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट्स रहेगी, ये PQ सेगमेंट, तो देखो PQ सेगमेंट
इस एस आर सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंस रहेगी। तो यहाँ पे हम सेगमेंट एस आर, ओके, पी क्यू सेगमेंट, फर्स्ट ट्रायंगल के पी क्यू सेगमेंट सेकेंड ट्रायंगल के एस आर सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंस रहेगी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट एश्योरिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे कौन सी टेस्ट से ये दोनों दिए गए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से इसका एश्योरिटी देनी है और उनके कौन से पार्ट कॉन्ग्रुएंट से ट्रायंगल के वो भी राइट करने हैं। तो देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ओके, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है, ओके। तो हम पहले लिखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है और कौन सी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट्स है, हाइपोटेनस साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट्स है। कैसे, तो देखो यहाँ पे हम पहले राइट कर लेते हैं, बाद में आपको बताऊंगी। पहले यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल पी क्यू आर, बी ए सी पी क्यू आर इससे कॉन्ग्रुएंट्स है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुएंट से वो भी राइट करेंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनस साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, तो ये दोनों ट्रायंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट से हमें पता है, इसलिए हमने राइट कर लिया। ट्रायंगल का राइट एंगल जो रहता है दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट्स रहता है, करेक्ट, और उसकी हाइपोटेनियस साइड भी कॉन्ग्रुएंट्स है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस से कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, ओके, इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अभी देखो ए सी साइड क्यू आर साइड से कॉन्ग्रुएंट्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट्स साइड, साइड भी लिख सकते हैं और सेगमेंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, करेक्ट, क्यू आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। उसके बाद में देखो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स एंगल क्यू पी आर, ए बी सी इज क्यू पी आर इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है और इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट्स एंगल क्यू आर पी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल है। ये ए बी साइड इस क्यू पी साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट्स थी, ओके, बी सी साइड पी आर के साथ कॉन्ग्रुएंट्स थी, उसके बाद में बी ए सी एंगल इस पी क्यू आर एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट्स था, और हमें अदर जो कॉन्ग्रुएंट्स एंगल और अदर जो कॉन्ग्रुएंट साइड है वो भी लिखनी थी। तो हमने देखो ए सी साइड क्यू आर साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है, ये ए सी साइड क्यू आर साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है, वो हमने राइट कर लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी बताया गया था, दिखाई नहीं है पर कॉन्ग्रुएंट्स है, ए सी साइड और ए सी एंगल भी हमें बताने थे। तो पहले एक साइड रिमेनिंग थी वो हमने बता दी कि ए सी साइड क्यू आर साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है, आफ्टर दैट ए बी सी एंगल इस क्यू पी आर एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है, यहाँ पे ए सी बी ये एंगल इस क्यू आर पी इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट से, वो सभी इंफॉर्मेशन हमने राइट की। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल पी एन एम, एल एम इक्वल पी एन, एल एन इक्वल पी एम, राइट द टेस्ट विच एश्योर्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, राइट देयर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसी इन्फॉर्मेशन दी थी वैसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी गई है।
कि हमें यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, वो कौन से टेस से कॉन्ग्रुएंट्स है वो राइट करना है, और अदर कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट जो है ट्रायंगल के वो भी राइट करने हैं। पहले हम ये दिया गया ट्रायंगल कौन से टेस से कॉन्ग्रुएंट्स है ये बता देंगे। ओके, तो देखो इस एल एम एन, इस ट्रायंगल की देखो एल एम एन मीन्स यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ओके, एलिमेंट ट्रायंगल समझ में आ गया। ओके, अभी पी एन एम ये ट्रायंगल देखो, पी एन एम, इन दोनों ट्रायंगल का एम एन सेगमेंट है, दोनों ट्रायंगल की क्या है कॉमन सेगमेंट है। ओके, दोनों ट्रायंगल की ये कॉमन सेगमेंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल की इक्वल ही है। ओके, ये दोनों ट्रायंगल की एक सेगमेंट इक्वल हो गई, उसके बाद में ये सेगमेंट इस सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट से, ये सेगमेंट इस सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट से, तो फर्स्ट ट्रायंगल की तीन सेगमेंट सेकंड ट्रायंगल की तीन सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये कॉन्ग्रुएंट से ये गए ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड 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 इस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी एन एम, पी एन एम, और यहाँ पे साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के साथ कॉन्ग्रुएंस है। अभी बचे हैं एंगल, फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों एंगल सेकंड ट्रायंगल की तीनों एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट जो है उनको भी राइट करना है। फर्स्ट ट्रायंगल के तीन साइड सेकंड ट्रायंगल के तीन साइड से कॉन्ग्रुएंट्स है, ये ट्रायंगल एस 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 इस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट्स है। अभी हम एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स है तो राइट कर लेते हैं, कौन सा एंगल है फर्स्ट देखो, एंगल एम एल एन कॉन्ग्रुएंट्स एंगल एन पी एम। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंस एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, उसके बाद में एंगल एल एम एन इस एंगल के साथ एंगल पी एन एम ये कॉन्ग्रुएंस है, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, एंगल एल एन एम कॉन्ग्रुएंस एंगल पी एम एन। ओके, एल एम एन, एल एम एन ये एंगल इस पी एन एम इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है। थर्ड वन एल एन एम, एल एन एम ये एंगल इस पी एम एन इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है, और वो सभी क्यों कैसे कॉन्ग्रुएंट्स है, कॉन्ग्रुएंट्स एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, वो सभी करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट्स एंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी बी एंड सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल सी बी डी। ये ए बी डी ये ट्रायंगल सी पी डी इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट से हमें बताना है। दिया क्या है यहाँ पे, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट से वो बताया है, यहाँ पे शो भी किया है फिगर में। ओके, पहले इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंस सेगमेंट सी बी एंड सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंस सेगमेंट सी डी। ये जो गिवन दिया था दोनों ट्रायंगल में वो हमने पहले राइट किया, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। ओके, आफ्टर दैट देखो ये दोनों सेगमेंट तो कॉन्ग्रुएंट से, और थर्ड वन एक सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट से, कौन सी, ये बी डी सेगमेंट ये कॉन्ग्रुएंट्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे कॉन्ग्रुएंट्स हो गई, देखो ये सेगमेंट दोनों ट्रायंगल की कॉमन सेगमेंट है इसलिए दोनों ट्रायंगल की क्या है इक्वल ही है, तो ये भी क्या है एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है,
इस ट्रायंगल की ये बीडी सेगमेंट ये सेकेंड ट्रायंगल के बीडी सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट्स है, इक्वल है, कॉमन पार्ट है, वो तो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट्स होगी ना, ये दोनों की क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है, कॉमन साइड जो रहती है वो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट बीडी कॉन्ग्रुएंट्स सेगमेंट बीडी, ओके ऐसे लिखेंगे हम इस कॉमन साइड को, और यहाँ पे लिखेंगे कॉमन साइड, ओके देयरफोर ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल सीबीडी, साइड 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 फर्स्ट ट्रायंगल की तीन साइड सेकंड ट्रायंगल की तीन साइड से कॉन्ग्रुएंट्स है, तो ये दोनों भी ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। ये ट्रायंगल साइड 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 इस टाइप से कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन द फिगर एंगल पी कॉन्ग्रुएंस एंगल आर, सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंस सेगमेंट आर क्यू, प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू एस। एक एंगल और एक सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट से इसे बताया गया है, और हमें ट्रायंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एस ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम राइट करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, ओके सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंस सेगमेंट आर क्यू एंड एंगल पी कॉन्ग्रुएंस एंगल आर, पी एंगल आर एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट से और सेगमेंट पी क्यू आर क्यू सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट से, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, हम यहाँ पे राइट करेंगे गिवन। अफ्टर दैट देखो ये पी क्यू टी ये ट्रायंगल आर क्यू एस ये ट्रायंगल और ओके दोनों ट्रायंगल का देखो ये क्यू एंगल भी क्या है, कॉमन एंगल है, तो वो भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट सी हो गया, करेक्ट ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट्स एंगल आर क्यू एस, देखो पी क्यू टी आर क्यू एस इन दोनों ट्रायंगल का ये क्यू एंगल कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट सी रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंगल, इसीलिए हमने इस दोनों एंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंट साइन दिया, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए। देयरफोर ट्रायंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल आर क्यू एस, और कौन सी टेस्ट से, तो यहाँ पे ये पी एंगल आर एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद क्यू एंगल दोनों का कॉन्ग्रुएंट है, और ये पी क्यू सेगमेंट आर क्यू सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू सेगमेंट ये आर क्यू सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल, ओके इस टेस से ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।